हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के क्लास में। और आज हम क्लास 11 फिजिक्स के हिंदी मीडियम का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तरलों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये जो चैप्टर है वो 11th क्लास के फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से तैयार करना चाहिए। इससे पहले हमने ठोस के गुण देखे, बहुत छोटा सा टॉपिक है प्रत्यास्थता का, लेकिन तरल क्या है बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको बहुत सा कंटेंट्स है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनेमिक्स। मैं भी आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हमको इसमें क्या पढ़ना है। तो आज का मेरा पहला क्लास है और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने पहले दिन के क्लास में पूरे चैप्टर की बेसिक चीज़ों पर, पूरी इसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग आपको बताता हूँ कि ये चैप्टर हमको कैसे पढ़ना है और उसके बेसिक्स क्या क्या हैं। मतलब पहला चैप्टर पूरा फाउंडेशन का क्लास होता है, वहीं से आपको पूरा उस चैप्टर को समझने का शुरुआत होता है। तो बहुत ध्यान से आप इस लेक्चर को सुनना। चलिए तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि अनएकेडमी ने निपुण बैच लॉन्च किया है नीट 2022 के लिए। और ये स्पेशल बात यह है इस बैच की कि यह प्योर हिंदी मीडियम में है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के इस बैच को बनाया गया है जो नीट 2022 के लिए आपको पूरा तैयार करेगा। और इस बैच में आपको अनएकेडमी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, एक तो मैं आपके सामने, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर, जितेंद्र पांडे, आप फिजिक्स पढ़ोगे आप मेरे से। राम अवतार सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, 35 ईयर का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। गौरव केजरीवाल सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बहुत से टॉप रैंकर्स स्टूडेंट इन्होंने नीट के लिए दिए हैं। तो ये अनएकेडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं जो फिजिक्स आप सॉरी नीट 2022 के लिए तैयार करेंगे। फिजिक्स तो मैं पढ़ाऊँगा। ये 28th ऑफ जुलाई को स्टार्ट हो गया है, रिसेंटली अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपको बिल्कुल सही समय है इसका सब्सक्रिप्शन लेने का और इसको ज्वाइन करने का। यदि आपने नीट 2022 को प्लानिंग किया है तो आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, यदि आप अभी से तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, इस बैच में हम आपको कम्प्लीट 11th और 12th का कोर्स कम्प्लीट कराएंगे नीट के अकॉर्डिंग, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स कराएंगे, साथ ही आपको हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और न्यू जो हमारी प्लानिंग है, जो नया सिस्टम अभी आया है नीट के लिए, जो नया एनटीए ने जो दिया है उसके हिसाब से हम आपको टोटल पढ़ाएंगे। ओके, तो ये क्लास आप ज्वाइन करिए और इसका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर मिलेगा। ओके, और आप यदि ये बैच लेते हैं तो एक आपके लिए और मैं फ़ायदे की बात बता दूँ, वो ये है कि आप यदि मेरा कोड यूज़ करेंगे, प्रोमो कोड, तो ये जितेंद्र सर लाइव, जितेंद्र सर लाइव, ये यदि मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, तो ये आपके लिए एक खुशखबरी है। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम आज के क्लास को स्टार्ट करें। और आज का हमारा जो क्लास है, जो नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तरल के यांत्रिक गुण, तरल के यांत्रिक गुण, इंग्लिश में अपन क्या कहेंगे इसको, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स। सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करें कि भाई हम तरल किसे कहते हैं, फ्लूइड्स किसे कहते हैं। तरल आपको पता है, ठोस, द्रव, गैस, वैसे पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती हैं, आप सबको मालूम है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा है प्लाज्मा, और पांचवा जो रिसेंटली अभी अवस्था बना है, जो आर्टिफिशियल है, वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो ये 5 हमारे पास पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, लेकिन वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है तरल। तरल की विशेषता क्या होती है कि इसके जो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ठोस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ये सब आप जानते हैं, केमिस्ट्री में भी आप सब पढ़ते हैं। तो एटॉमिक जो डिफरेंस होता है, उनके बीच में जो एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स होता है,
अंतर आणविक बल जिसको बोलते हैं वो ठोस की तुलना में कमजोर होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें बहने का गुण होता है जो फ्लो हो सके। ठीक है, तरल क्या होता है, फ्लो हो सकता है। इसमें हम लिक्विड को भी पढ़ सकते हैं और गैस को भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमको तरल द्रव के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि उसकी पूरी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। मैं आपको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन में शुरुआत में बता दूं कि तरल को पढ़ने के दो पार्ट होते हैं। एक तो कहलाता है इसका तरल दाब, पहला पार्ट जो कहलाएगा, जिसको अपन हाइड्रोस्टेटिक्स और एक होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। हिंदी मीडियम क्लास है, इंग्लिश में लिख रहा हूं तो परेशान मत हो ना, इतना इंग्लिश आपको जानना है, मैं हिंदी में ही बता रहा हूं। हाइड्रोस्टेटिक्स में हम पढ़ते हैं तरल दाब के बारे में, मतलब हम यहां पर द्रव को स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं। स्थिर अवस्था में जैसे किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है, किसी पात्र में भरा हुआ है, किसी डैम में भरा हुआ है, वो स्थिर है, वो जल स्थिर है। तो ये वाला जो पार्ट होता है हाइड्रोस्टेटिक्स का, इसमें हम उसके स्थिर नेचर का अध्ययन करते हैं तरल दाब। और हाइड्रोडायनेमिक्स का इसका जो सेकंड पार्ट होता है, ये फिजिक्स के ब्रांच है करके मैंने आपको बताया, द्रव स्थैतिकी और द्रव गतिकी। ये द्रव स्थैतिकी है, वो द्रव गतिकी है। इसमें हम क्या करते हैं, द्रव के गतिशील नेचर का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसमें हम द्रव के बहाव को, जैसे वो फ्लो हो रहा हो, उसको अध्ययन करते हैं। तो दो पार्ट में हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में हम पृष्ठ तनाव तक पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे सियानता से और वहाँ से बर्नौली के प्रमेय तक। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार चैप्टर है और आज मैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं तरल दाब, पहला पार्ट हम इसको पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट हम इसको पढ़ेंगे। हमारे 11th क्लास के सिलेबस में दोनों हैं। ओके, तो देखिए तरल दाब क्या होता है। तो तरल दाब के बारे में डिस्कस करने से पहले चले अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखें इसको। तरल दाब के पहले हम पढ़ेंगे कि इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, मतलब इसका संतुलन की स्थिति होता है, मतलब द्रवों का संतुलन यदि हम इसको कहें, या तरल या द्रव, ठीक है, द्रवों का संतुलन, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है, देखा इक्विलिब्रियम, आप ऑफ लिक्विड द्रवों का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड, ये होता क्या है, जैसे किसी कंटेनर में, किसी पात्र में हम जल को, द्रव को या किसी भी लिक्विड को हम भर के रखे हैं, वो स्थिर अवस्था में है, तो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन में संतुलन की स्थिति में किस तरह के बल आरोपित करता है और बल आरोपित करने के कारण वो दाब आरोपित करता है। तो दाब को पढ़ने से पहले हमको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पर देखो, सपोज हमने इमेजिन किया कि ये हमारे पास कोई एक पात्र है, ये हमने एक कंटेनर लिया और इसमें हम द्रव भर के रखें, ये सपोज हमने यहाँ तक द्रव भरा है, इमेजिन करो कि इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके इस पॉइंट पर, सपोज यहाँ पर हमने कोई पॉइंट पी सपोज किया और इस पी पॉइंट पर यहाँ पर कोई बल लग रहा है, और अभी हम उस बल की दिशा को कहीं भी सपोज कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर इस दिशा में बल लग रहा हुआ है एफ। अब हम यहाँ पर विचार करते हैं, ये जो बल एफ है, जो हमने किसी भी डायरेक्शन में डिसाइड कर लिया, उसके कौन कौन से घटक हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्षैतिज के साथ में, ये जो बल एफ है वो ये क्षैतिज है, इसके साथ में सपोज थीटा कोण बनाए हुए हैं। तो बल एफ यदि क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाया हुआ है, तो इसका जो क्षैतिज दिशा में घटक होता है उसको हम कहेंगे एफ कास थीटा, क्योंकि थीटा का पास वाला क्या होता है, कास होता है। और ये जो घटक होता है ये क्या है, इससे दूर है, ये इससे दूर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एफ साइन थीटा। आपको मालूम है कि थीटा का पास वाला जो घटक होता है वो कास थीटा होता है, और थीटा का जो दूर वाला घटक होता है वो साइन थीटा होता है। तो एफ कास थीटा, एफ साइन थीटा, इसके दो घटक हो जाएंगे। थीटा का पास वाला कास होता है, थीटा का दूर वाला साइन होता है। ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है। अब देखो, चूंकि द्रव स्थिर अवस्था में है, चूंकि द्रव स्थिर अवस्था में है, जब द्रव क्या है, संतुलन की स्थिति में है, उसमें कोई गति हलचल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि चूंकि इसमें गति नहीं हो रहा है,
तो एफ कॉस थीटा जो घटक है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यदि जल में गति होता तो एफ कॉस थीटा वर्क करता, यहाँ तो जल में कोई गति ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि एफ कॉस थीटा घटक जीरो है। अब इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी दो राशि का गुणनफल यदि शून्य के बराबर हो रहा हो एफ इंटू कॉस थीटा, तो एफ और कॉस थीटा का गुणनफल यदि शून्य हो रहा हो तो इसका मतलब है कि या तो एफ शून्य होगा या तो कॉस थीटा शून्य होगा। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर बल शून्य नहीं है, क्योंकि बल तो इसमें लग रहा है, बल कार्यरत है, तो चूंकि एफ नॉट इक्वल टू जीरो देयर फॉर अब कॉस थीटा को तो जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर का गुणा शून्य है तो कम से कम उसमें एक संख्या को जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट तो जीरो आ नहीं सकता। तो हमने कॉस थीटा को जीरो ले लिया और देयर फॉर कॉस थीटा जीरो का मतलब क्या हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया, कॉस थीटा जीरो हो गया दैट मीन्स थीटा 90 डिग्री हो गया। अब आप अपने फिगर को देखो कि ये जो थीटा का वैल्यू है वो 90 अंश हो गया, माने ये जो बल की दिशा है, यहाँ पर जो आप बल की दिशा देख रहे हो वो ये नहीं बल्कि 90 अंश के साथ में इस दिशा में होगी, ये यहाँ पर बल की दिशा होगी, ये इसके बल की दिशा होगी। इस बात से ये प्रूफ हो गया कि कोई द्रव जब संतुलन में होता है, कोई द्रव जब संतुलन में होता है तो उसके सतह पर लंबवत नीचे की ओर बहुत से बल कार्य करते हैं, एक नहीं बहुत से बल कार्य करते हैं जब संतुलन, क्योंकि हमने बता दिया कि एफ कॉस थीटा घटक तो हो ही नहीं सकता। तो यह कहलाता है द्रवों का संतुलन। इस प्रकार से यहाँ पर यह बात प्रूफ होता है कि कोई भी द्रव यदि संतुलन की स्थिति में हो तो संतुलन की स्थिति में उसके स्वतंत्र सतह पर अंदर की ओर एक बल कार्य करता है। आगे चल के हम इसी को पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव के रूप में, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आएगा। एक्चुअली चैप्टर के स्टार्टिंग में जो बात होती है वही आगे चल के पूरे चैप्टर को सपोर्ट करता है। फिजिक्स को पढ़ने का तरीका यही है कि पहले दिन के क्लास से जो चीज़ आपको पढ़ाया जाता है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि क्लास को आप गैप करके मत पढ़ो, फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट, सेकंड के बाद थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, या लाइव क्लास में आ रहे हो आप तो रेगुलर लाइव क्लास को अटेंड करो, ठीक है। वैसे आप लोग को पता है, इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम 11th क्लास के आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड करा रहे हैं अल्टरनेट डेज में। क्लास रेगुलर होता है बट फिजिक्स केमिस्ट्री अल्टरनेट डेज में होता है, पूरा 6 डेज आपको 11th का क्लास मिलते हैं, एक दिन फिजिक्स का एक दिन केमिस्ट्री का, तो आप उस क्लास में भी आया करो, वहाँ पर हमने फिजिक्स को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। और ये तो हमारे रिकॉर्डेड का जो सेशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है, इसमें हम बहुत आगे हैं। तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन। अब इस आधार पर हम पढ़ते हैं क्या, तरल दाब, इस तरह से हम यहाँ पर देखें तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर तरल का दाब, फ्लूइड प्रेशर, तरल दाब या फ्लूइड प्रेशर। तरल दाब फ्लूइड प्रेशर होता क्या है, देखो कहीं पर भी दाब का मतलब होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब का सीधा मतलब होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो तरल दाब का मतलब यही है कि इकाई क्षेत्रफल पर, द्रव के इकाई क्षेत्रफल पर जो बल आरोपित होता है उसे हम क्या कहते हैं, तरल दाब कहते हैं। और इसे हम प्रणोद के रूप में भी जानते हैं, प्रणोद मतलब क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स, प्रणोद एक प्रकार का बल है जो थ्रस्ट फोर्स कहलाता है। मतलब जब हम कहीं पर दाब आरोपित करते हैं तो प्रतिक्रिया स्वरूप उसके विपरीत दिशा में भी एक बल कार्य करता है जो प्रणोद बल कहलाता है, थ्रस्ट फोर्स कहलाता है। तो ये दाब का कॉन्सेप्ट है। सीधा सीधा हम दाब के परिभाषा को क्या कह सकते हैं कि किसी भी तरल के इकाई क्षेत्रफल पर, मतलब यदि हम क्या करें एरिया को इकाई ले लें तो सीधा सीधा क्या होता है, फोर्स प्रेशर जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है। तो इकाई क्षेत्रफल पर, किसी पिंड के इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ये तरल दाब कहलाता है। ओके, तो यह है फ्लूइड प्रेशर, तरल दाब। अब यहाँ पर हमको इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर एंट्री करना है, वो है पास्कल का नियम। पास्कल नामक साइंटिस्ट ने तरल दाब के लिए नियम दिया जिसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। और पास्कल ने अपने नियम में दो कंडीशन में उसको समझाया, एक बिना ग्रेविटी के और एक विथ ग्रेविटी, ग्रेविटी के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पास्कल का नियम। ओके, यहीं से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, पास्कल का नियम, जो कि पूरे चैप्टर में आपको काम आएगा, इसी पर पूरा बेस है। तरल दाब का मतलब पास्कल का नियम,
पास्कल्स लॉ। पास्कल का नियम, तो पास्कल का जो पहला नियम है जिसको हम बोलते हैं विदाउट ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व रहित, गुरुत्व रहित कहने का मतलब जब क्या हो, जी इक्वल टू जीरो हो, यह पहला कंडीशन है उनका। मतलब पास्कल ने दो नियम दिया, पहले नियम उन्होंने बताया कि जब क्या है गुरुत्व का बल शून्य हो, मतलब कोई गुरुत्व का बल कार्य ना कर रहा हो, तब उनका यह पहला नियम है। और पहले नियम उन्होंने क्या बताया, देखो कि मान लो अपना अपने पास ये कोई कंटेनर है, ये कोई पात्र है, और इस कंटेनर में हमने द्रव भर के रखा हुआ है, पूरा इसमें द्रव भरा हुआ है। अब इस द्रव के अंदर हम द्रव का ही एक बेलन की कल्पना करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक बेलन की कल्पना किया, ये मान लो एक बेलन है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आप बहुत ध्यान से सुनना थोड़ा, ये भी एक बेलन है। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत लोग जब इसको पढ़ते हैं बुक से, या इवन कई बार टीचर्स मिसकॉन्सेप्शन पर बच्चों को ले जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, वो ये कि चित्र देख के समझते हैं कि द्रव के अंदर में कोई बेलन डूबा हुआ है, कोई सिलेंडर डूबा हुआ। इसको हर क्लास में मैं डिटेल डिस्कस करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में कोई गलत कॉन्सेप्ट ना बैठे, क्योंकि चित्र देख के लगता है या वहाँ पर कि द्रव के अंदर एक बेलन है, तो भैया यहाँ पर द्रव के अंदर कोई बेलन नहीं डूबा हुआ है, द्रव के अंदर हमने द्रव का ही बेलन एक इमेजिन किया है। भाई लिक्विड तो ऐसा फॉर्म है कि उसमें किसी भी चीज़ को बना सकते हो। द्रव की विशेषता अपन बोलते हैं ना कि द्रव को जिस कंटेनर में भरोगे उस कंटेनर की आकृति का हो जाता है, सिलेंडर में भरोगे तो बेचारा सिलेंडर की जैसा हो जाता है, उसको क्यूब में भरोगे तो क्यूब के जैसा हो जाता है, क्यूबॉइड में भरोगे घनाभ में तो घनाभ के जैसा, जिस आकृति में रख दो उस आकृति का हो जाता है। तो हम द्रव के अंदर द्रव के ही बेलन की कल्पना कर रहे हैं। आप यहाँ पर चित्र देख के ऐसा मत समझ लेना कि द्रव के अंदर कोई बेलन डूबा हुआ है, ऐसा स्टूडेंट समझ लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा गलत फिर आपने समझ लिया उसको। अब समझो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यहाँ पर मान लो लगने वाला बल एफ वन है, और यहाँ पर लगने वाला बल सपोज एफ टू है, यहाँ पर क्षेत्रफल ए वन है, यहाँ पर क्षेत्रफल मान लो ए टू है, यहाँ पर प्रेशर पी वन है, यहाँ पर प्रेशर पी टू है, और ये भी द्रव का बना हुआ एक सिलेंडर है, ये हमने मान लिया। तो हमने मान लिया एक सिलेंडर जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, उसके सिरे ए पर दाब पी वन, बल एफ वन, और क्षेत्रफल तो दोनों का समान होगा, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रफल मैंने ए वन लिखा है, लेकिन ए वन ए टू दोनों आपस में बराबर होगा, इसको मैं मिटा दूँ, इरेज कर दूँ तो भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्षेत्रफल तो बराबर मिलेगा ना इसका, ओके। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बल कितना हो रहा है, तो सिरे ए पर बल, इसके सिरे ए पर बल, बेलन के कहाँ पर, सिरे ए पर बल, तो सिरे ए पर बल कितना हो जाएगा, एफ वन इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, दाब गुणित क्षेत्रफल। तथा बी पर बल, तथा बी पर बल, तो बी पर बल एफ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टू इंटू ए, बट अपने को पता है कि एफ वन जो होता है वह एफ टू के बराबर होता है, एफ वन एफ टू के बराबर होता है। इस प्रकार से एफ वन का वैल्यू क्या है, यहाँ पर पी वन इंटू ए, और एफ टू का वैल्यू क्या है, पी टू इंटू ए। दोनों साइड से हम ए ए को कैंसिल आउट करा दें तो दोनों साइड से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपने को, पी वन इक्वल टू पी टू, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, पी इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह से हमको यहाँ पर यह पता चलता है कि यदि पी वन इक्वल टू पी टू और पी इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि यदि द्रव स्थिर अवस्था में हो और उस पर गुरुत्व का बल कार्य ना कर रहा हो, यदि द्रव स्थिर अवस्था में हो और उस पर गुरुत्व का बल कार्य ना कर रहा हो, मतलब गुरुत्वीय बल क्या हो, शून्य हो, तो उस कंडीशन में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर, द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब नियत होता है, ये कहलाता है पास्कल का पहला नियम।
ओके, एक बार ध्यान से सुनो। यदि द्रव संतुलन की स्थिति में हो तो द्रव के अंदर द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब नियत होता है, लेकिन कब? जब ग्रेविटी शून्य हो। फिर उन्होंने इसको अंडर ग्रेविटी या तो गुरुत्व के रहित है, अब गुरुत्व के अधीन, मतलब यदि गुरुत्व का बल हो तो कैसा होता है ये हम पढ़ेंगे। ओके चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका दूसरा, गुरुत्व के अधीन। ये बहुत ध्यान से समझना, गुरुत्व के अधीन मतलब अंडर ग्रेविटी। गुरुत्व के अधीन अंडर ग्रेविटी होता क्या है? यहाँ पर पास्कल ने बताया कि सपोज मेरे नियम को वहाँ अप्लाई किया जाए जहाँ गुरुत्व का बल है, तो किस तरह से होगा? पहले ये चित्र हम आपको बता दें, उसके बाद आप उसे समझोगे। यहाँ पर ये एक पात्र है, कंटेनर है, और इस पात्र के अंदर भी हमने क्या किया, जल भरा हुआ इमेजिन कर लिया। इस तरह से इसमें पूरा जल भरा हुआ है। अब इसके अंदर हम जल का ही एक सिलेंडर, उसी के जैसे ना, ये हम इसकी कल्पना कर लेते हैं। ये मान लो ये भी एक सिलेंडर है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और इस तरह से इस सिलेंडर में देखो, इस सिलेंडर में ऊपर की ऊपर से एक नीचे बल कार्य करेगा, क्योंकि उसके ऊपर में द्रव का कॉलम है, ये मान लो एफ वन है, और इसका जो भार होगा, मान लो इसका हाइट एच है, तो इसका भार नीचे की ओर कार्य करेगा एम जी, लेकिन इसमें ऊपर की ओर बल कार्य करेगा उत्प्लावन बल F2, क्योंकि हमको मालूम है कि जब हम किसी भी पिंड को पानी के अंदर या किसी भी द्रव के अंदर डुबाते हैं तो द्रव क्या करता है, उसको ऊपर की ओर उछालता है, जिसको हम बॉयंसी फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल। मतलब आपने कभी किसी चीज़ को अंदर डुबा के, आप किसी भारी चीज़ को जब डुबा दोगे, पत्थर को डुबा दोगे, लोहे को डुबा दोगे, तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि उत्प्लावन बल बहुत कम होता है। ये मैं आपको आगे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में समझाऊंगा। लेकिन सपोज आप गुब्बारे को पकड़ के आप डुबाओ तो आपको पता होगा कि कितना ताकत लगाना पड़ता है, कि आपके पास हवा भरा गुब्बारा है, उसको आप पानी के अंदर डुबाना चाहते हैं, तो पानी क्या करता है, उसको ऊपर की ओर उछालता है, उसी को बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, उत्प्लावन बल, ऊपर की ओर ढकेलना, वो हर चीज़ पर लगता है। लेकिन अधिक घनत्व की पिंड पर, लोहे पर लगता है तो हमको पता नहीं चलता, इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर F2 बल ऊपर की ओर लगेगा। अब यहाँ पर पास्कल ने बताया कि जब ये संतुलन की स्थिति में है, पूरा का पूरा हमारा सिस्टम क्या है, वह संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में। तो यदि हमारा पूरा सिस्टम संतुलन की स्थिति में हो तो उस कंडीशन में इसमें जितना बल लग रहा है सब का योगफल क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या हो जाएगा, F1 नीचे लग रहा है प्लस mg नीचे लग रहा है माइनस F2 इक्वल टू जीरो। F2 को माइनस क्यों किया गया, क्योंकि F2 ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। ओके, अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो दैट इक्वल F1 को क्या लिखा जा सकता है, P1 into A, क्योंकि बल बराबर दाब गुणित क्षेत्रफल, प्लस mg को क्या लिखा जा सकता है, हमको मालूम है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखा है, सॉरी मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस फार्मूला को हम यूज़ करें तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, सपोज डेंसिटी को रो ले लिया, रो की कुछ भी ले सकते हैं, और वी, और ये क्या हो जाएगा जी, माइनस एफ टू को लिख सकते हैं पी टू इंटू ए इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज, अब इसको आगे सॉल्व करो, पी वन इंटू ए प्लस रो इंटू, अब ये क्या है आयतन, ये आयतन है, तो आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, आयतन बराबर हो जाएगा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुणित इसकी ऊंचाई। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी भी सिलेंडर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करें तो हमको आयतन निकल जाता है। तो आयतन को हम लिख सकते हैं h इंटू ए, h इंटू ए ये लिख दिया, और g माइनस पी टू इंटू ए इक्वल टू जीरो। अब इस पूरे रिलेशन को आप देखो तो यहाँ से a और यहाँ का a और यहाँ का a, ये सब यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होने के बाद क्या होगा, जीरो के साथ जाके उधर जीरो हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज हमको इस साइड में मिल जाएगा P1 प्लस रो जी एच माइनस
इक्वल टू जीरो, पी वन पी टू को उधर ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा उधर जाके प्लस पी टू माइनस पी वन इक्वल टू रो जी एच, और ये पी टू माइनस पी वन जो मिला है यही क्या कहलाता है यहाँ पर, दाब, जिसको हम इस दाबांतर को सिर्फ पी लिख दें तो क्या मिल जाएगा, पी इक्वल टू रो जी एच। इस प्रकार से पास्कल ने बताया, इस प्रकार पास्कल ने क्या बताया कि यदि कोई पिंड द्रव के अंदर डूबा हो या स्वयं द्रव का कालम हो तो उस पर जो दाब होता है वह रो जी एच के बराबर होता है, जहाँ पर रो द्रव का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, और एट क्या है, एच क्या है, उस वाटर कालम की हाइट है। यहाँ पर देखो एच क्या है, ये वाटर कालम है, इसको बोलते हैं वाटर कालम, मतलब पानी का स्तंभ। जैसे मैं पानी के अंदर डूब गया और मैं जानना चाहूँ कि मेरे सिर के ऊपर कितना दाब लग रहा है, तो मेरे सिर के ऊपर जो वाटर का कालम बनेगा उसका जो रो जी एच होगा वही मेरे सिर के ऊपर वाटर का प्रेशर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को आप बहुत अच्छे से तैयार करना, अदरवाइज़ आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। पहले दिन के क्लास में मैं पास्कल के नियम तक ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास के लिए क्या क्या तैयार हो क्या ना, इसको आप ध्यान से सुन लो। आपका आज का पूरा बेसिक पास्कल के नियम को ढंग से समझ में आना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं जब इसके एप्लीकेशन आपको पढ़ाऊँगा, जैसे लिफ्ट कैसे काम करता है, उसके बाद आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ाऊँगा, फिर अपन टोरिसली का प्रमेय पढ़ेंगे, बैरोमीटर, सब जगह पास्कल के नियम काम आएंगे। ओके, तो आपकी जिम्मेदारी है कि नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझको बोलने से पहले, जनरली आप लोग कमेंट्स करते हैं सर नेक्स्ट क्लास कब आएगा, सर नेक्स्ट क्लास कब आएगा, वो बोलने से पहले आप ये डिसाइड कर लेना कि पहला क्लास हमारा पूरा तैयार हुआ है कि नहीं। यदि आपका ये क्लास 100% आज तैयार हो जाता है तो बिल्कुल कल आपको अधिकार है कि कल बोलो कि सर अब सेकंड क्लास कब आएगा, मैं बहुत जल्दी डालूंगा, कंटिन्यूस इसको आपको पूरा करूंगा। लेकिन आप लोग से भी उम्मीद करता हूं कि हर क्लास को बिल्कुल उसी दिन आप पूरा तैयार करोगे। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करिए, फिर आगे हम कंटिन्यूस पढ़ेंगे और पढ़ने में खूब मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।